हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया 40 डेज का क्रैश कोर्स, जो होगा आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो मैं हूँ राकेश डांडा और आप मेरे साथ देख रही है राकेश डांडा क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास आपके लिए 40 डेज का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगा फुल सिलेबस, यानी कि आपके पास 40 डेज जो आपके एग्ज़ाम्स के रह चुके हैं। हालांकि जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा 13 सितंबर से। तो वाई ग्रुप वालों के लिए बिल्कुल खुशखबरी है, वाई ग्रुप का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल ही जल्द, 15 तारीख से। तो वाई ग्रुप के जिन्होंने भी भरे हैं फॉर्म, जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल ही लेस प्राइस में आपके लिए लेके आए हैं, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा बिल्कुल, यानी जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम में, यानी हमारे पास एक टीचर ही ऐसा लेके आए हम आपके लिए, जो आपको कराएगा आपका फुल सिलेबस बिल्कुल, हर एक जो जो आपका आता है, इंग्लिश आता है या फिर आपका वट एवर आपका रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, इसकी प्राइसिंग रखी गई है ओनली 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा आपका इंग्लिश का फुल सिलेबस जो भी एग्ज़ाम्स में आता है। उसके बाद आपको मिलेगा रीजनिंग का भी सिलेबस, डेली हमारी क्लासेस होगी रीजनिंग, जैसे आपका जो रागा का होता है, आपको मैं बता दूं कि आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर 20 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है और 30 नंबर का रागा होता है। उसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ्स मिलता है 10th लेवल का, GK मिलती है, थोड़ी बहुत जियोग्राफी मिलती है, उसके अंदर आपको हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो कुल मिला के ये होता है आपका सिलेबस जो कि वाई ग्रुप के लिए है। तो ये सब आपको मिलेगा जस्ट 100 रुपीज़ के अंदर, 100 रुपीज़ के अंदर आपको ये फुल क्रैश कोर्स हम कराएंगे। ये भी इसलिए रखे गई है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो फैसिलिटी है, जो भी हमारे जो टीचर्स हैं, उनको पे कर दिया जाए। वैसे बिल्कुल फ्री था हमारा, बस ये उन्हीं के लिए रखा गया है। और हमारे जो क्लासेज है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 15 जुलाई को आपको आपकी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो कोशिश करिए बिल्कुल रेगुलरिटी से आपको वीडियो मिलेगी फास्ट, जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। हमारे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आ चुकी है पहले से ही और बैच बिल्कुल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब सोच रहे होगे कि ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन के लिए मैं आपको बता दूं, आपको व्हाट्सएप करना है, हमको मैसेज करना है आपका क्या करना है, नाम और क्या करना है आपका बैच, कौन सा बैच आप जाते हैं, जैसे कि मेरे को वाई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो 9728484430 इस पर आप मैसेज कीजिए। कुछ देर बाद आपके पास रिप्लाई किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है बैच ज्वाइन करने के लिए, बट आपका नाम और बैच जरूर डायल कीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, हम बता देंगे आप पेमेंट कैसे करनी है। तो कुल मिला के ये सिंपल स्टेप रखा गया है, आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप के अंदर आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी व्हाट्सएप पर और डेली आपको क्वेश्चंस टेस्ट भी होंगे आपके। तो पेटीएम कर सकते हैं, हमें फ़ोन पे कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक से भी आप दे सकते हैं। तो अभी मेरे पास, मैं आपको डेमो बताता हूँ, यार डेमो भी आप सोचे कि यार सर ने डेमो नहीं दिया वाई ग्रुप का। तो आपके जो न्यू टीचर है, नो टीचर है, जिनका नाम है विनीत सिंह, वो हमने हायर कर लिया आपके लिए। तो आपका देखिए एक रेशियो का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका कैसा है क्या कुछ है। तो अभी स्विच करते हैं टीचर्स को, तो मिलिए आपके न्यू टीचर से जिनका नाम है विनीत सिंह, जो कि अपनी अच्छी नॉलेज से मशहूर है और अच्छा कराते हैं, उनकी रीजनिंग वगैरह भी अच्छी है, मैथ्स भी आपको बिल्कुल इंजॉय मिलेगा आपको करने के लिए। तो मैं स्विच कर रहा हूँ विनीत सर के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत सिंह। जैसा कि राकेश सर ने आपको बताया हुआ है, तो हम रेशियो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया हुआ है उसको देखते हैं। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इज 136, कितना है 136। द रेशियो बिटवीन, यानी कि अनुपात है जो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का, कितना है 2:3, यानी कि 2:3। एंड द बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर 5:3, कितना है 5:3। फाइंड द सेकंड नंबर, तो हमें निकालना गया सेकंड नंबर। देखिए हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। जो सम है 136 है और जो फर्स्ट एंड 2:3 एंड द सेकंड एंड थर्ड नंबर 5:3, फाइंड द सेकंड नंबर, हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो जो आंसर है दिए हुए हैं ए 70, बी 60, 75 और 80। तो इसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। इसके लिए हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ए बी मानते हैं और थर्ड नंबर को क्या मानते हैं सी। और जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेशियो बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो कितना हुआ है 2:3 एंड सेकंड
एंड थर्ड रेशियो यानी कि बी और सी कितना दिया है 5:3। तो हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन में आंसर में लिख देते हैं, ए के नीचे ए रेशियो और बी के नीचे बी रेशियो, तो ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 5:3, तो बी रेशियो सी को हम 5:3 लिख लेते हैं। जो यहाँ पे एक ब्लैंक नंबर बच गया तो इसको हम जैसे 3 है यहाँ पे तो इसको 3 लिख देते हैं इसके आगे, सी के आगे 3 और जैसे 5 के आगे लिख रहे हैं 5। तो इसके लिए ये आसान सी ट्रिक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 5 कितना आएगा 10, 3 × 5 15 और 3 × 3 कितना आएगा 9। ये मेरी गलती से 3 लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन में दिया सम ऑफ तो इनका ऐड कितना आएगा 136 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इनको ऐड कर रहे हैं 10 + 15 + और यहाँ पे कितना आएगा 9, जो मेरे कल क्या लिखा गया 3 लिखा गया है यहाँ पे कितना आएगा 9, तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा 34 यानी कि 34x। हम इसको x यूनिट मान लेते हैं जो कि इज इक्वल टू कितना 136 के। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे 136/34 जो कि x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4। अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर निकालना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे सेकंड नंबर से यानी 15 × 4 कितना आएगा 60। तो हमारा ऐसे ऑप्शन क्या हुआ बी हमारा ऑप्शन हुआ 60। अगर ऐसे हमें यहाँ पे ए निकालना होता तो हम यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई करते तो 10 × 4 कितना आता 40। और अगर ऐसे ही हमें बी ऑप्शन निकालना होता तो हमने 15 × 4 कर दिया जो 60 आएगा। और अगर ऐसे ही हमें सी ऑप्शन निकालना होता तो 9 × 4 हम कितना आता है यहाँ पे 60। देखिए चलो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कितना 9 × 4 क्या 36। देखिए हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 136। अगर जो सम है हमारा कितना है 136 है। अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो 2:3, अगर हम ए रेशियो बी रेशियो कितना है 2:3 और बी रेशियो सी 5:3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी आई 4। और एक्स की मल्टीप्लाई हम बी सेकंड नंबर से कर देते हैं यानी 15 × 4 कितना आया 60। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थे आपके न्यूज सर, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि थोड़ा यार अभी लाइव पढ़ाने में और क्लासेस में पढ़ाने में डिफरेंस होता है, तो अगली बार बिल्कुल अच्छी होगी से भी वीडियो। तो आप हमें पे कैसे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं आप 9728484430 पर, या फिर डायरेक्ट बैंक के अंदर भी आप डाल सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर डिटेल यहाँ पर दिख रहा है आपको। फ़ोनपे भी हम है, यदि आप कर रहे हैं फ़ोनपे से तो डायरेक्टली फ़ोनपे से कर सकते हैं, तेज ऐप से भी आप कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं भीम ऐप से तो आप भीम ऐप से भी हमें पे कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो यार सीधा व्हाट्सएप कीजिए हमें 9728484430 पर, और जो इन कैसे करना है हमने बता चुके हैं हम आपको। और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी, डेफिनेटली 100 ट्रिक्स आपको कराई जाएगी और डेफिनेटली आपका वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हम क्लियर करवाएंगे। तो मैं था राकेश चांडा और आप मेरे साथ देख रहे थे राकेश चांडा फिल्म। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो जय हिंद जय भारत।